हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज होपमैन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है इंट्रो के ऊपर। बहुत लोगों ने कमेंट किया था इंट्रो पे वीडियो लाने के लिए, तो बेसिकली ये वीडियो उसी पे होने वाली है। तो आज मैं जो इंट्रो बनाने वाला हूँ, ये वही इंट्रो है जो मेरे चैनल का पहला इंट्रो था। तो इसके लिए मैं एक टेम्पलेट का यूज़ करने वाला हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बेसिकली हम ये करने वाले हैं कि जो टेम्पलेट है और हमारे जो चैनल का लोगो है, इन दोनों को हम मर्ज करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं काइनमास्टर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही सिंपल होने वाला है और हमारा जो इंट्रो है वो भी बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और अगर नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रो, और ये वही इंट्रो होने वाला है जिसे हम आगे जाके बनाने वाले हैं। आई होप आपको इंट्रो अच्छी लगी होगी। तो अभी आगे बढ़ते हैं एडिटिंग की ओर। तो यहाँ पर मेरा काइन मास्टर ओपन हो गया। तो यहाँ पर सिंपली प्लस वाले आइकन में जाना और 16:9 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर काइन मास्टर का मीडिया ब्राउजर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा टेम्पलेट है उसे मैं इम्पोर्ट करने वाला हूँ। तो अभी टेम्पलेट इम्पोर्ट हो गया, इसे हम प्ले करके देखते हैं। तो इस पोजिशन में आप देख सकते हैं कि जो सर्किल है ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो ये लेफ्ट की तरफ मूव करे उससे पहले ही हमें वीडियो में एक कट लगाना है। तो इसके लिए सिंपली वीडियो को सिलेक्ट करना, सीजर वाले ऑप्शन में जाना और यहाँ पर एक ऑप्शन है स्प्लिट हेड प्ले हेड, तो इसको सिलेक्ट कर लेना। तो वीडियो ऑटोमेटिक दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। इतना होने के बाद जो सेकेंड पार्ट रह गया उसे हम सिंपली डिलीट कर देंगे। अब हम इसमें एक वाइट कलर का बैकग्राउंड इम्पोर्ट करने वाले। तो इसके लिए सिंपली मीडिया में जाना, बैकग्राउंड में जाना और यहाँ से एक वाइट कलर का बैकग्राउंड को इम्पोर्ट कर लेना। अभी व्हाइट कलर का बैकग्राउंड इंपोर्ट हो गया है। अभी हम जाएंगे टाइमलाइन के स्टार्टिंग में और यहाँ पर हम अपना लोगो को ऐड करने वाले हैं। तो इसके लिए सिंपली लेयर में जाना, मीडिया में जाना और जहाँ पर भी हमारा लोगो है वहाँ से लोगो को इंपोर्ट कर लेना। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा लोगो इंपोर्ट हो गया पर ये स्क्वायर शेप में है। तो इसके लिए सिंपली क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में जाना, मास्क को एनाबल करना और इसके बाद शेप में जाना और यहाँ पर एक सर्किल का ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना। तो जो हमारा लोगो है ऑटोमेटिक सर्किल शेप में आ जाएगा। इतना होने के बाद जो हमारा लोगो है उसको थोड़ा छोटा कर लेना टेम्पलेट के हिसाब से। और उसके बाद लोगो के टाइमलाइन को इंक्रीज कर लेना। इतना होने के बाद हम टाइमलाइन के स्टार्टिंग में आएंगे और यहाँ पर हम लोगों की स्टार्टिंग में एक एनिमेशन ऐड करने वाले हैं। तो इसके लिए सिंपली लोगों को सिलेक्ट करना, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा इन एनिमेशन, तो इन एनिमेशन में जाना और यहाँ पर क्लॉक वाइज को सिलेक्ट करना और यहाँ पर जो ड्यूरेशन है उसे ऑन रखना और ओके कर देना। अभी आप देख सकते हैं कि लोगों की स्टार्टिंग में एनिमेशन ऐड हो गया है। इतना होने के बाद व्हाइट बैकग्राउंड की स्टार्टिंग में आना और यहाँ पर लोगों में हम की एनिमेशन ऐड करने वाले। इसके लिए सिंपली लोगों को सिलेक्ट करना और लेफ्ट की साइड में की का ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना। इतना होने के बाद सिंपली प्लस वाला आइकन को सिलेक्ट करना, तो यहाँ पर एक की एनिमेशन पॉइंट ऐड हो जाएगा। इसके बाद वीडियो में थोड़ा सा आगे जाना कुछ इतना सा, और जो हमारा लोगो है उसे लेफ्ट की तरफ मूव कर देना कुछ इस तरह। तो इसमें की एनिमेशन ऐड हो गया है। अब इसे हम प्ले करके देखते हैं। इतना होने के बाद जहाँ पर हमारा लोगो का एनिमेशन एंड हो रहा है तो वहाँ पर हम अपना चैनल का नाम ऐड करेंगे। तो इसके लिए सिंपली लेयर में जाना, टेक्स्ट में जाना और यहाँ पर हमारा चैनल का नाम को टाइप करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो चैनल का नाम ऐड हो गया है पर इसका कलर व्हाइट है, तो इसका कलर को हम चेंज करके ब्लैक करेंगे। तो इसके लिए सिंपली जो कलर का आइकन है उसमें जाएंगे और ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। अभी जो लोगो का कलर है वो ब्लैक हो गया और इसको हम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे इसका साइज को और पोजीशन को। इतना होने के बाद आप चाहे तो इसका फंड भी चेंज कर सकते। इसके लिए सिंपली फंड वाले आइकन में जाना और यहाँ से जो भी आपको फंड अच्छा लगे उसे सिलेक्ट करके ओके कर देना। तो यहाँ पर हमारा जो फंड चेंज हो गया। इसके बाद सेटिंग के नीचे आएंगे
और यहाँ पर एक ऑप्शन है टेक्स्ट ऑप्शन, तो इसको इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये पहला वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना और ओके कर देना। इतना होने के बाद हमारे जो चैनल का नाम है उसकी स्टार्टिंग में हम एक एनिमेशन ऐड करने वाले हैं, तो इसके लिए सिंपली हमारे जो चैनल का नाम है उसको सिलेक्ट करेंगे, इन एनिमेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम स्लाइड राइट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसका ड्यूरेशन को हम रखेंगे 0.5 और ओके कर देंगे। तो इसमें एनिमेशन ऐड हो गया है। तो अभी हमारा पूरा एडिटिंग ख़त्म हो गया है, इसे हम प्ले करके देखते हैं। तो इंट्रो बहुत ही सिंपल था, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और अगर नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।